Radna? Radna? Radna कहाँ चली गई? बच्चे की वजह से आपके दिल में दर्द और तड़प का ये पूरा सैलाब भरा हुआ है ना, और इस सैलाब में आपकी जिंदगी का तन घुटते हुए हम नहीं देख सकते। आपको इस दर्द, इस तड़प से छुटकारा दिलाने के लिए हम अपनी जिंदगी खत्म कर लेते अक्षय, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप हमारे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारी जिंदगी को अपनी जरूरत बना लिया है आपने, इसलिए इसे तो हम नहीं छीनेंगे। लेकिन आपके और हमारे बीच विश्वास के रिश्ते को तोड़ने वाले इस बच्चे का जिंदगी से रिश्ता खत्म कर देंगे हम। हम इसका अबॉर्शन करवाने जा रहे हैं। और इसी वक्त तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। डैड, मॉम, शालिनी, मोहिनी, क्या हुआ बेटा? मोहिनी, तुमने प्रार्थना को कहीं देखा? नहीं। शालिनी, प्रार्थना को तुमने कहीं देखा? नहीं। तो गॉड, डैड, आपने प्रार्थना को देखा? मुझे नहीं पता बेटा, बट व्हाट्स द मैटर? डैड, डैड, वो प्रार्थना, मैंने देखा था उसे। आई सॉ हर गोइंग आउट ऑफ द हाउस अर्ली मॉर्निंग। ओह गॉड, नो। मुझे कल रात को ही समझ जाना चाहिए था, सोच लेना चाहिए था मुझे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले। कौन सा फैसला? क्या समझ जाना चाहिए था तुम्हें? अक्षय, साफ साफ बताओ क्या बात है? सॉरी मॉम, मैं जानता हूँ आपको बहुत दुख होगा। कंग्रेचुलेशंस सू, यू वन द बैटल। प्रार्थना ऐसा डिसीजन ले कैसे सकती है? उसे ये एडवाइस दी किसने? Don't worry, अक्षय, हम प्रार्थना को ढूंढेंगे और उसे ये अबॉर्शन करवाने से रोकेंगे। Come on, Rio. इतने सारे मेडिकल सेंटर्स हैं, जब तक हम प्रार्थना तक पहुंचेंगे तब तक। नहीं मॉम, वो जरूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई होगी। मैं अभी उनसे पूछता हूँ। हेलो, मैं आपकी पेशेंट प्रार्थना ठकराल का हस्बैंड अक्षय ठकराल बोल रहा हूँ। प्रार्थना, प्रार्थना आई है? मिसेस प्रार्थना ठकराल ऑलरेडी चेकअप के लिए जा चुकी है, अभी वो डॉक्टर के कैबिन में है। डैड, मॉम, मैं प्रार्थना को रोकने जा रहा हूँ। आंटी, अगर अक्षय ने प्रार्थना को अबॉर्शन करवाने से रोक लिया तो? नाउ इट्स टू लेट। जब तक अक्षय प्रार्थना तक पहुंचेगा तब तक प्रार्थना अबॉर्शन करवा चुकी होगी, और एक बार बस ये बच्चा खत्म हो गया तो इनका रिश्ता भी वहीं खत्म हो जाएगा। आपके लिए मिस्टर अक्षय का फोन आया था, वो अभी यहाँ आ रहे हैं।
उन्होंने आपको मैसेज देने के लिए कहा है। मेरे दिमाग में बार 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 बस एक ही ख्याल आता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। मैं इस बच्चे को अपनाना चाहता हूं लेकिन लेकिन अपना नहीं पाता। डॉक्टर आप चलिए, हम तैयार हैं। मुकाबले का आखिरी दिन है। ज्ञान कपूर कितने घंटों से साइकिल चलाए जा रहा है, पता नहीं कि मुकाबला जीत पाएगा या नहीं। मुझे तो लगता है कि ज्ञान कपूर मुकाबला जीत कर ही रहेगा। अब ज्ञान कपूर के पास बस कुछ ही घंटे रह गए। 4 दिन और 4 रातों से पिछले 96 घंटों से लगातार साइकिल चलाने वाले मिस्टर ज्ञान कपूर अब भूख प्यास नींद और थकान से बेहाल हो चुके हैं। कपूर की हालत बेहद नाजुक हो चुकी है और उनका शरीर पूरी तरह से उनका साथ छोड़ चुका है। सिर्फ अपनी हिम्मत और हौसले के सहारे ज्ञान कपूर अब तक साइकिल चलाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि उनकी हिम्मत और दिल का जोश कब तक उनका साथ देते हैं। वाहेगुरु, बस 1 घंटा बाकी, बड़े मुश्किल का वेला है ये जी। वाहेगुरु, इस वक्त मेरे बच्चे का साथ देना, थकावट न महसूस होने देना। पानी, पानी। फिलहाल उन्हें नमक के साथ नींबू पानी दिया जा रहा है। इस वक्त उन्हें हर तरह की ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मुकाबला खत्म होने में बचे हैं सिर्फ 30 मिनट। तुमने इस ड्रिंक में मिलाया क्या है? ट्रैंकुलाइजर। इससे ज्ञान का दिमाग सोने की इच्छा करेगा। 15 मिनट में ज्ञान को इतनी नींद आएगी कि वो इसे 1 मिनट भी सहन नहीं कर पाएगा। ज्ञान, बस 5 मिनट, 5 मिनट बचे। बस तू हार मत मानना, तेरे बाबूजी का आशीर्वाद है तेरे साथ, तू कर लेगा, तू कर लेगा ज्ञान। तो इसे नहीं बचा सकते। आप लोग इसे सहारा देके खड़े नहीं रख सकते। इसे छोड़ दो और हार मान लो। बेहोश हो चुका है ये बेहोश नहीं हुआ है, अभी भी होश में है। होश में नहीं है ये, बेहतर होगा कि तुम लोग हार मान लो। ऐसे कैसे हार मान ले, ये बेमानी नहीं होने देंगे हम। जान उठ, उठ जान, उठना। यहाँ
थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। ज्ञान कपूर शायद कोलैप्स हो गए हैं या फिर कोई और ही बात है। अभी सिचुएशन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ये दोबारा होश में तो नहीं आएगा ना? मेडिकल साइंस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता आंटी, जुटलाना तो बहुत दूर की बात है। अब ज्ञान को कोई नहीं बचा सकता। इन दैट केस कंग्रेचुलेशंस। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का वक्त देता हूं। अगर ये 30 सेकंड में होश में आ गया तो मुकाबला जारी रहेगा, वरना इसकी हार होगी और मेरी जीत। ज्ञान, ज्ञान उठ, उठ पुत्र, उठ। जाग, ज्ञान उठ। ये क्या कर रहे हो? अबे चिंता मत कर, ये किसी भी हालत में होश में आने वाला नहीं है। जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर ये 1,00,000 रुपए का चेक रखो और प्लीज लोगों के सामने अपना तमाशा बनाना बंद करो। तुझे इस घर को संभालना है पुत्र, इस घर के हर रिश्ते को संभालना। मैं मानता हूं पुत्र कि तेरे लिए ये परीक्षा की घड़ी है, लेकिन इस परीक्षा में तुझे खरा उतरना है। जो अपने पति की निशानी तुझे दे रही है कि मुझे वापस चाहिए। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है।
मंगलसूत्र। चाय जी। मैं डैड बनूंगा और तुम मॉम बनोगे। आपके और हमारे बीच विश्वास के रिश्ते को तोड़ने वाले इस बच्चे का जिंदगी से रिश्ता खत्म कर देंगे हम। हम इसका अबॉर्शन करवाने जा रहे हैं।